नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की सेक्टर 9 चौकी से, जहां पर आप देख सकते हैं एक शख्स जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये कोई और नहीं है, बजाज फाइनेंस कंपनी के पीड़ित ग्राहक है, जिनके निशान आप देख सकते हैं कि रिकवरी एजेंटों ने किस तरह से इनके साथ रॉड के साथ मारपिटाई की, केवल और केवल किश्त के लिए। किश्त जो इनकी पेंडिंग चल रही थी, जो किश्त इन्होंने आज भर भी दी, और किश्त लेने के तुरंत बाद उन्होंने जो रिकवरी एजेंट थे बुरे तरीके से रॉड के साथ इनकी पिटाई की है। मामला करनाल की सेक्टर 9 पुलिस चौकी तक पहुंच चुका है। मैं आपको लगातार बार बार दिखा रहा हूं कि बजाज फाइनेंस किस तरह से लोगों के साथ गुंडागर्दी कर रही है, कैसे लोगों को गालियां दी जा रही हैं, किसी को कुत्ता, किसी को हरामजादा कहा जा रहा है और किसी की इस तरीके से पिटाई की जा रही है। कल भी एक मामला पानीपत का सामने आया था, जहां पर पानीपत के एक लड़के ने आरोप लगाया था कि बजाज फाइनेंस के जो रिकवरी एजेंट हैं उन्होंने गुंडागर्दी की, हमारे साथ मारपिटाई की। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से बजाज फाइनेंस के गुंडों ने किश्त की रिकवरी के लिए, जिसके ऊपर पूरे तरीके से रोक लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा जो कानून के जानकार है वो बताते हैं बार बार, लेकिन बावजूद इसके बजाज फाइनेंस अपनी हरकतों से रुकने को तैयार नहीं है। लोगों के ऊपर किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है सिर्फ किश्त के लिए। इनसे जानते हैं कि पूरा मामला कैसे, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं और ये हालात कैसे हो गए आपकी? मेरा नाम दिनेश कुमार है जी, गाँव कुंजपुरा, जिला करनाल, हरियाणा का रहने वाला हूँ जी। मेरे पास सुबह बजाज कंपनी वाले का फ़ोन आया जी, तो वो कह रहे आपकी किस्त पेंडिंग है जी। मैंने बोला उनको मैं आधे घंटे तक ITI पे आ रहा जी, आप अपने लड़के को भेज दो, मेरे से पैसे ले जाएगा किस्त के। तो जैसे ही मैं ITI पे आया जी, सचदेवा मोबाइल की दुकान पे मैंने उनको बुलाया जी, जो ITI चौक के ऊपर है, वहाँ उनका लड़का आकर मेरे से पैसे ले गए जी, किस्त काट गया जी, मैसेज आ गया जी। उससे 4-5 दिन पहले इनके रिकवरी के 4-5 लड़के मेरे घर आए थे जी, तो वो मेरे को धमकी दे कर गए, तो वहाँ मेरा पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था जी। उसके बाद जैसे ही मनाज किस्त के पैसे दिए, वो लड़का मेरे से किस्त के पैसे लेकर गया और मैं अपनी गाड़ी के पास जा रहा था जी, तो वहाँ अणपछाते 4-5 जने आए, मोटर मुंह बांध रखे जी परने से, रुमाल से, और मोटरसाइकिल थी 3 उनके पास, और उन पर नंबर प्लेटों का गारा लगा रखा था जी। मैं फ़ोन पर बात करता चल रहा जी, अचानक उन्होंने मेरे पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया जी, अपना पत्थर मारे जी मेरा लोहे की रॉड, बाकी आपके सामने ही है जी, देखो जान से। पुलिस, मैंने पुलिस में शिकायत करी जी, मैं जैसे ही उन्होंने मेरे को मार के भाग गए जी, मौके पर मेरी गाड़ी के पास मेरा ड्राइवर खड़ा था जिसका नाम बंटी है जी, जो इंद्री का रहने वाला है, तो वो जैसे मार के गए तो मैं सीधा 9 सेक्टर चौकी में आया जी। इन्होंने मेरे को बोल दिया मेडिकल करवा के आओ, मैं मेडिकल करवा के यहाँ एप्लीकेशन लिख के दे दिया जी 9 सेक्टर चौकी में। मेरी हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से, सरकार से यही विनती है जी, श्री मनोहर लाल खट्टर जी से भी, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लॉकडाउन में जिन्होंने मेरे चेक बाउंस लगा लगा के 10,000 तो अकाउंट से निकाल लिए जी, उसके बाद आज मेरा अकाउंट इन्होंने 20,000 माइनस में कर रखा जी। बाकी देखो जी, और कंपनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में? बजाज फाइनेंस ने, मैंने पर्सनल लोन लिया था जी, 24 किस्तें बनाई थी जी, 2 साल से ऊपर किस्तें चली गई जी, अब ये मेरे से ब्याज लगा लगा कर इन्होंने और 70-80 हज़ार मेरी तरफ निकाल दिया जी। चेक बाउंस लगा, लॉकडाउन में भी इन्होंने चेक लगाए जी। बजाज कंपनी चोर है जी, एक नंबर के हरामखोर आदमी है। कल को मैं ले हम अपने घर में भी सेफ नहीं है जी, ये तो बाहर सड़क पर निकले अपने घर से ITI तक पहुँचे जी। मैंने इनको टाइम भी दिया, अपने पैसे ले जाओ, बताओ अब कमाई तो नहीं रही जी, काम चल नहीं रहा, गाड़ियाँ खड़ी है जी, 35-35 हज़ार गाड़ियों की किस्त है जी, बताओ क्या करें जी। क्या काम करते हैं आप? टैक्सी ड्राइवर का काम है जी, टेम्पो ट्रैवलर चलाते हैं। टेम्पो ट्रैवलर चलाते हो, हाँ जी। तो जिस कंपनी से जब आपने इस तरह से इनसे लोन लिया था, आपको लग रहा था कि कभी रॉड के साथ, पत्थरों के साथ पिटाई की जाएगी आपने? नहीं जी, कभी भी ऐसे सोचा जी। जब तो ये मीठे बन के घर आए थे जी, बोले 24 किस्तें हैं, कह रहे ब्याज लगेगा सिर्फ 10,000, अब ब्याज 50,000 से ऊपर तो ब्याज चला गया, अभी 70-80 हज़ार और निकाल रखे जी इन्होंने मेरी तरफ। अब बताओ ये क्या करा, इनको कैसे पे करा? यही है लड़के जो आए हैं? नहीं जी, ये तो मेरे भाई हैं जी, ये आपके भाई हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस गरीब आदमी के साथ, जो सामने टेम्पो ट्रैवलर खड़ी है, गुजारा भत्ता ये लोग करते हैं अपना किस तरीके से, और बजाज फाइनेंस कंपनी ने किस तरह से गुंडागर्दी करते हुए, ये देखिए कितने बुरे तरीके से इस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है। चारों तरफ से आप देख सकते हैं, मैं इधर से भी आपको दिखा दूं कि किस तरह से इन्होंने चारों तरफ से, दिखाइए दिखाइए, कोई बात नहीं, दिखाइए आप,
दुनिया को भी पता लगना चाहिए कि इनकी गुंडागर्दी बदमाशी किस कदर है। ये देखिए किस तरह से व्यक्ति की मार पिटाई की गई है, ये देखिए गर्दन के पास कितने निशान है, चारों तरफ से ये व्यक्ति कितनी बुरी तरीके से घायल है। और ये हाल कोई लड़ाई झगड़े का नहीं है, ये हालात तब हुए जब इन्होंने किस्त बजाज फाइनेंस की नहीं दी थी। मैं आपको बता दूं कि बजाज फाइनेंस के खिलाफ लगातार आईबीएन 24 लोगों को जागरूक कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि कैसे ये कंपनी लोगों के साथ इस तरह से बदमाशी गुंडागर्दी करती है, लोगों को एक किस्म से किस तरीके से, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से आपके ऊपर ब्याज पे ब्याज लगाया जा रहा है, चेक बाउंस के पैसे लगाए जा रहे हैं, ये एक किस्म की लूट है जो बंद होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ये गरीब आदमी दिहाड़ी करेगा, इनकी किस्त देगा, इनका ब्याज देगा, अपने बच्चे पालेगा, जी एक गाड़ी से गुजारा बत्ता होता है जी, घर का किराए पर मैं रहता हूँ जी, मेरा किराए का मकान है जी, बताओ क्या करें जी। अब इनको क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ जी। सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। इनके जो ड्राइवर हैं ये भी हमारे साथ हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटी है जी। उस टाइम साथ थे आप? हाँ जी। क्या हरकत हुई? हाँ जी, मैं गाड़ी के पास खड़ा था, ये अपने मोबाइल की जो इंस्टॉलमेंट वगैरह वो देने के लिए गए हुए थे उधर जो भी था, तो इधर से बात करते हुए फोन पे आ रहे थे, तो मैं गाड़ी के पास था, गाड़ी लोक थी, बाहर ही खड़ा था मैं, तो अचानक बाइक रुकी उधर पे, उन्होंने अपनी नंबर प्लेट पे गारा लगाई हुई थी मिट्टी की, तो जी हाँ जी, तो मुंह बांधे हुए थे तीनों ने, तो वो उतरे तो इनके पास गए, वो मैंने सोचा कि कोई जानकार होगा, तो इतनी देर में उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया जी। किससे हमला किया? एक रोड ले रहे थे जी और बेल्ट ले रहे थे जी। रोड और बेल्ट से? हाँ जी। तो आपने बचाने की बीच में कोशिश करी? हाँ जी, मैं इतने में खड़ा था, तो इतने में पब्लिक आ गई वहाँ पे, दो चार आदमी, तो इतने में वो फरार हो गए थे जी। उन्होंने बोला कि हम बजाज से हैं? नहीं, ये नहीं बात करी नहीं, उनमें से एक आदमी की पहचान है इनको, वो बजाज के। हाँ जी सर, वो जब आए उन्होंने कोई किस्त के बारे में किसी बारे में बात की? कोई बात नहीं करी सर उन्होंने, जो मेरे पहले चार पांच दिन पहले मेरे घर आकर धमकी दे गए थे ना जी, उनमें से वही लड़के थे, मुंह बांध रखे थे। कौन सी कंपनी से थे वो? ये बजाज फाइनेंस कंपनी से थे जी। एक लड़के ने तो कानों में मुंदरी डाल रखी जी, टोपी पहनता है पतला सा, एक भारी सा लड़का, और दो तीन और उनके साथ थे, उनके सारे बजाज फाइनेंस, सारे बजाज रिकवरी के थे, सारे बजाज रिकवरी के थे, ऐसा इनका आरोप है। जो करनाल के नए एसपी आए हैं उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि सख्त एसपी हैं और उन्होंने ये भरोसा दिया था कि आम जनता की सुनवाई होगी। मेरी एसपी साहब से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है जी, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम तो अपने घर में सेफ नहीं है जी, पहले तो घर आकर धमकी देते हैं, उसके बाद सड़क पर मेन चौक पर जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया जी। जो आईटीआई का मेन चौक है, जो अभी सड़क नहीं मुड़ रही है जी, उसके ऊपर मैं पैदल जा रहा था, फोन से बात करता हुआ अचानक उन्होंने हमला कर दिया जी, लोहे की रॉड से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से, क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम दिनेश कुमार है जी। दिनेश कुमार जी हैं, कुंजपुरा से हैं, और कितने बुरे तरीके से इनकी मार पिटाई की गई है। कल भी मैं आपको बता दूं कि एक मामला पानीपत का सामने आया था, जहां पर जिस व्यक्ति ने लोन लिया था उसने आरोप लगाया था कि कंपनी के जो रिकवरी एजेंट है उन्होंने गुंडागर्दी की, मार पिटाई की। परसों हमने एक रिकॉर्डिंग चलाई थी जिसमें एक महिला ने खुद को यानी कि कोर्ट से फ़ोन कर रही है, वो ऐसा बताकर एक व्यक्ति को कितने बुरे तरीके से गालियां दी वो भी हमने आपको सुनाई थी। लगातार बजाज फाइनेंस के रह रहकर मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब से कुछ देर बाद बॉम्बे से एक वीडियो आई है एक महिला की, उसने भी यही आरोप लगाए हैं कि बजाज फाइनेंस की वजह से वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर है। कितने बुरे तरीके से जो बजाज फाइनेंस के रिकवरी के लोग हैं वो उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, बुरे तरीके से उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो अपनी किस्तें भरे। वो वीडियो भी अभी हम कुछ देर में यहाँ पर चलाएंगे। एक साथी इनसे बात करते हैं। सर, बजाज फाइनेंस जिस तरह से बदमाशी कर रही है, मार पिटाई कर रही है, रॉड के साथ पीटा गया, क्या लग रहा है आपको? सर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। किसी और कंपनी के बारे में भी आपने ऐसा सुना है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा सामने नहीं आया। चाहेंगे कार्रवाई हो इनके ऊपर? कार्रवाई होनी चाहिए जी। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी एक बार बात करते हैं। सर, जिस तरह से बजाज फाइनेंस के ये गुंडागर्दी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, ये हो क्या रहा है देश के अंदर? ये तो श्रीराम गुंडागर्दी है सर, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। लॉकडाउन में सबको पता है कि काम नहीं था, किस्तें कहाँ से दे पाएंगे लोग, और इस तरह से रोड और इस तरह सड़क पे रोक के रोडों से मारना, ये तो सरासर नजायज है, गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी है ये सबसे बड़ी बात है। सर, ये गुंडागर्दी है या नहीं है? ये गुंडागर्दी है सर, हम गुंडागर्दी है। तो क्या जिस व्यक्ति के साथ मार पिटाई हुई है उसको न्याय मिलना चाहिए। एसपी साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस व्यक्ति के साथ ये मार पिटाई हुई है दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। और कंपनी के बारे में भी आपने नहीं, सबसे ज्यादा बजाज के, सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं बजाज फाइनेंस के, बजाज फाइनेंस के। आपने और भी खबरें देखी हैं बजाज फाइनेंस? हर रोज देखते हैं बजाज फाइनेंस के, रोज आती हैं। फिर भी कंपनी सुधरने के लिए, कंपनी सुधरने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन प्रशासन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई करे,
और जिस इस व्यक्ति को चोट लगी है इसको न्याय दिलाए, इसको न्याय मिलना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुरे तरीके से इनकी मार पिटाई की गई, और अब इन्होंने आपने मेडिकल करवाया, मेडिकल करवा लिया जी, एप्लीकेशन 9 सेक्टर चौकी में इंचार्ज साहब को दे दिया जी, बाकी देखते हैं कानून हमारी क्या सहायता करता है जी। उम्मीद लग रही है? देखो जी बाकी तो इनके हाथ में है जी, अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं कानून से। अभी तक सुबह किस्त भी तो लगेगा देते रहे पैसे, किस्त लेने के बाद इन्होंने फोन किया अभी आज लड़का कल्ला है। सर आपको क्या लग रहा है जो इस तरह के मामले सिर्फ और सिर्फ बजाज फाइनेंस के सामने आ रहे हैं, इसका मतलब कोई लगाम नहीं है इनके ऊपर? डिसीजन है बोल यार। नहीं आपको क्या लग रहा है कंपनी में कोई लगाम नहीं है? आ जा कमाल कर रहा है सर। आपको क्या लग रहा है कंपनी को कोई पूछने वाला रोकने वाला कोई नहीं है जो इस तरह की बदमाशी चल रही है? देखो इस टाइम बजाज फाइनेंस की जो बदमाशी है सर हम बदमाशी है, कमाल कर रहा है यार। दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस जो लॉकडाउन में लेट हुई है ये व्यक्ति किस भरने के लिए तैयार है, लेकिन इस तरह कोई अकेला हिंदुस्तान का आदमी थोड़ी है, सबके साथ कर रहे हैं बजाज फाइनेंस वाले, बदमाशी कर रहे हैं, बदमाशी हो रही है उनके साथ। इस भाई के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, बजाज फाइनेंस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसको न्याय मिलना चाहिए, इसको न्याय मिलना चाहिए। और ये देखिए मेडिकल बकायदा इन्होंने अपना करवाया और मेडिकल लेकर ये यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल पुलिस को शिकायत दे दी गई है, 4 जगह इनके शिकायतें हैं, ये देखिए 4 जगह इनके चोट लगी है और वो मेडिकल करवाकर इन्होंने दे दिया। डॉक्टर अरविंद है जो मेडिकल ऑफिसर सिविल हॉस्पिटल के, उन्होंने ये मेडिकल किया। आप सभी लोगों से ये हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस खबर को जहां तक देख रहे हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि दिनेश कुमार जो कि बजाज फाइनेंस से जिन्होंने लोन लिया था उन्हें इंसाफ मिल सके, पता लग सके करनाल के प्रशासन को, पता लग सके हरियाणा के मुख्यमंत्री को, पता लग सके देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को, पता लग सके बजाज फाइनेंस को कि कैसे बजाज फाइनेंस के जो रिकवरी एजेंट हैं इस तरह से गुंडागर्दी बदमाशी कर रहे हैं, लोगों को रॉड के साथ मारा पीटा जा रहा है, पत्थरों के साथ उनकी पिटाई की जा रही है, क्या ये इस देश में स्वीकार्य है? ये सबसे बड़ा सवाल जरूर है। और सबसे सबसे अपील करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाई, आज मेरे साथ हुआ कल आप लोगों के किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि सब ने तकरीबन कोई कोई आदमी बचा हुआ है जिसने बजाज से लोन नहीं लिया, ये सभी के साथ ऐसा कर रहे हैं, सारे हम बदमाशी दिखा रहे हैं। बजाज फाइनेंस के बारे में क्या? बजाज फाइनेंस लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं सर जी, ये सबसे गंदी कंपनी है, सबसे चोर कंपनी है। मेरी सब भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है इन आराम खोरों से कोई लोन ना लो, अगर लोन लेना है किसी पे तो वैसे ब्याज पर पैसे ले लो अपने गांव गुआंढ पर, इन पता ना लो, इनमें से इनसे ना लो। देखिए कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं, सुबह जो मैंने वीडियो जारी की थी मैंने भी यही बात की थी कि किसी यार दोस्त से पैसे ले लो, लेकिन बजाज फाइनेंस को हाथ जोड़ दो कि भैया हमें आपसे लोन नहीं चाहिए, क्योंकि हम इस तरह की मार पिटाई खाने के लिए तैयार नहीं है। आपको तो इस हिसाब से अब आपको जान का खतरा है, अब तो आप शिकायत लेके आ गए। हाँ जी मेरे को इनसे जान का खतरा है जी, कल को ये दोबारा भी हमला कर सकते हैं जी, जैसे मैंने अब इनके खिलाफ न्यूज में भी दे दिया है, एप्लीकेशन भी दे दिया है चौकी में, इंचार्ज साहब को मैंने इनके FIR भी काटने की उम्मीद है, जो उन्होंने काट दिया एप्लीकेशन लिख के दे दिया, इनको पता लगेगा तो इन कल ये मेरे पास दोबारा भी हमला कर सकते हैं, किसी और से भी करवा सकते हैं। मेरी कानून से हाथ जोड़ के SP साहब से यही विनती है जी, हमारे को इनसे बचाया जाए। कल को अगर कुछ होता है तो फिर कौन जिम्मेवार? ये बजाज कंपनी हमारी मेरी मौत का जिम्मेदार होगी जी, अगर कल को मेरी डेथ भी होती है, अगर मेरा एक्सीडेंट भी होता है तो मेरे को ये उम्मीद नहीं है भी हमारा एक्सीडेंट चाणचक होगा या ये खुद करवाएंगे, यहाँ तक लग रहा है आपको? हाँ जी। और आप देखिए कि किस तरह से ये व्यक्ति परेशान है, किस तरह से, यानी आपको मैं बता दूं कि जब मैं यहाँ पर पहुंचा था मुझे तब नहीं पता था कि हालात इस कदर है। एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि कैमरामैन दिखा दें कि चारों तरफ से किस तरह से, ये देखिए रॉड के साथ पिटाई इनकी की गई है, एक किस्म से इन्हें सबक सिखाने की कोशिश की गई है कि अगर आपकी किस्त डिले होती है, अगर आपकी किस्त लेट होती है तो आपका और बाकी लोगों का अंजाम इस तरह से किया जाएगा। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पहला मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, कईयों का खुलासा तो खुद हमने किया है कि कैसे पानीपत के एक व्यक्ति को गालियां दी गई। बजाज वाले का ही फोन है जी, उसी लड़के का मैनेजर का इनके जो अब दफ्तर। सुनिए सुनिए लाउड स्पीकर ऑन करो। हाँ जी लग कर दिया जी। हाँ जी सर जी। सर मेरी बात है क्या आपसे? हाँ जी बोलिए। आप कह रहे थे आज पेमेंट करा सकते? आप बजाज के रिकवरी मैनेजर बोल रहे जी? सर जी मैंने आपके पैसे दे दिए हैं, सुबह 11:02 पर आपका लड़का मेरे से पैसे लेके गया 2560 रुपये। हाँ जी उसके बाद आपके उस लड़के ने मेरे को रिकवरी वाले लड़के बुलाया, जान से मारने की कोशिश की और मेरे को लोहे की राड से मेरे पर हमला करवाया जी। हाँ जी अजय भंडारी बोल रहे हैं? अजय भंडारी नहीं बोल रहे जी, मैं दिनेश कुमार बोल रहा गाँव कुंजपुरा से। अरे सर
आप बजाज कंपनी से बोल रहे ना सर? हाँ तो बजाज कंपनी से आप बोल रहे हो सर? आपने मेरे पास सुबह लड़का भेजा था, मेरे से किस्त लेके गया, उसके 10 मिनट बाद आपके लड़के ने अपने रिकवरी वाले लड़के बुलाकर मेरे पर लोहे की राड से हमला करवाया सर। नहीं नहीं सर, मैं आपको वही बता रहा हूँ। उसके बाद मेरी आपसे बात हुई, मैंने उनका आपको चेहरा बताया, आपने कह रहे, आपने उनको कहा अभी चौकी में दरखास्त दे दो, मैं उनके नाम बताऊंगा। आपने खुद मेरे को बोला ये बात। मैंने आपको पता क्या बोला सर, अगर वो लड़के होंगे, तो सर जी आपकी कंपनी के जो आप लोगों ने बदमाश छोड़ रखे हैं, गुंडे छोड़ रखे हैं, लोगों के हाथ पैर तोड़ने वाले, आप अपने पैसे रिकवर ऐसे करते हो सर जी? नहीं नहीं सर, मेरी बात सुनो सर, आपको सर इतनी बात कह रहा हूँ, आपने मेरे को बोला था ना कि सर आप ऐसा करिए, यहाँ मैं 9 सेक्टर चौकी में हूँ, न्यूज 24 वाले आए हुए हैं यहाँ पे, और मैंने 22 नाम दरखास्त दे दिया, आप एक बार यहाँ आ जाइए चौकी में। अरे सर मेरी बात सुन लो सर, जो भी बात कहना सर जी, आप जो आपने सफाई देनी है आप यहाँ चौकी में आके दे देना, अभी 5 मिनट के लिए आप आ जाओ यहाँ पे। सर जी मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है, आप करनाल से बोल रहे हो 12 सेक्टर बजाज फाइनेंस से? हाँ, जो 4-5 दिन पहले आपने मेरे घर भेजे थे, मेरे को जान से मारने की धमकी दे गए थे, तो आपने अपना पूरा कर्म किया जो उन्होंने बोला सर, मेरी बात सुनो सर, ये तो मेरे मुकद्दर थे, मेरे बच्चों की दुआ थी, मेरी जान बच गई। सर मैं आपको कह रहा हूँ, लड़के ने भेजते, हमारे में सिर्फ एक बंदा दिया सर। रिकवरी में आपने गुंडे तो रखे हुए है ना, ये तो बात आप कबूल करते हो? तो आपने सुबह मेरे को बोला ना, मैं उन लड़कों के नाम बताऊंगा, आप चौकी में दरखास्त दीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं शक्ल पहचानता हूँ सर उनकी, आप अपने रिकवरी एजेंटों को जितने भी लड़के हैं सभी को यहाँ चौकी में बुलाइए, यानी पुलिस वाले तो अपने आप अपने हिसाब से बुलाएंगे उनको, पहचान तो फिर भी करूंगा मैं, पहचानने के लिए मेरे को बुलाएंगे वो। सर आप बुला लो जिनको बुलाने, सर मैं आपको सीधे ये बात बता रहा हूँ, एजेंसी वाले जो लड़के काम कर रहे हैं तो सर लोगों का एड्रेस तो आप ही देते हो ना उनको, लिस्ट बना के अभी फलाने आदमी की किस्त टूटी, आप इनके घर जाके फोन करो, इनको पैसे तो आपके कंपनी में जमा होते हैं ना वो। तो ये तो सर आप यहाँ आके सफाई दे दो ना चौकी में, जिम्मेदारी आपकी, आप सैलरी तो उनको आप ही देते हो ना जी, आपकी कंपनी देती है। मैं बता रहा हूँ ना सर आपको, मैं बता रहा हूँ ना, वो 4-5 दिन पहले मेरे को घर आकर धमकी दे के गए जान से मारने की। तो सर आपको शक्ल पता है ना सर, आप देख लो सर। मेरे को सर नाम थोड़ी पता, नाम तो आप बताओगे उनके, शक्ल मेरे को पहचान है, आप यहाँ चौकी में आ जाओ और उनको बुला लो, मैं शक्ल पहचान लो, बाकी हाथ दरगाह पहचान लो, अभी यही आदमी थे। सर उनका मेरे पास फोन नहीं आया, वो तो डायरेक्ट मेरे घर आए थे 4-5 दिन पहले, जो आपके आज आपने जो मेरे पास लड़का भेजा था किस्त लेने के लिए रिकवरी वाला, उस लड़के ने उनको फोन करके मेरा एड्रेस दिया, अभी फलाना आदमी यहाँ खड़ा है। नहीं नहीं सर, ऐसा थोड़ा होता सर, सर अपना कितना 200 बंदे रख रखे, 2000 बंदे रख रखे, कोई एक कस्टमर तो है नहीं मेरे जैसा आपका, भी मैंने इकल्ले ना लोन ले रखे आप पे थे, 10 पन्नों की लिस्ट ले रहा था वो, जिन्होंने किस्त तोड़ रखी थी, जो मेरे से आपका लड़का किस्त के पैसे लेके गया, तो उसमें कल्ला मेरा नाम तो था नहीं, 1000 आदमियों का नाम था उसमें तो। अरे सर जब आप आराम से पैसे दे रहे हो सर, आपको कोई कुछ क्यों कहेगा? हाँ तो फिर यही तो बात मैं कहना चाह रहा ना, आराम से, हमने तो कभी आपसे कभी बदतमीजी से बात भी नहीं करी। वही कह रहा हूँ सर, आपने जब आराम से पैसे दे दिए, आपने सीधा मेरे को खुद कॉल करेंगे। आप ऐसा करो ना सर, आप 12 सेक्टर ब्रांच में हो ना? हाँ जी सर। तो सर 5 मिनट के लिए आप यहाँ 9 सेक्टर चौकी, 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट के लिए आ जाइए। नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये हमारा काम नहीं है सर। चलो कोई बात नहीं, ये तो फिर पुलिस वाले अपने आप देखें जी, इंचार्ज साहब चौकी के किसका काम है, ये अपने आप इंक्वायरी निकाल लेंगे। चलो ठीक है सर जी। आपने देखा कि किस तरह से जो कंपनी के अधिकारी हैं, खुद को मैनेजर बता रहे हैं, सेक्टर 12 ब्रांच में बात करने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। एक और सर है, सर से पूछते, सर जिस तरह से, एक्सक्यूज मी आपको ही कह रहा हूँ, जिस तरह से ये बदमाशी गुंडागर्दी हो रही है, आपको लगता है कि फाइनेंस कंपनियाँ रिकवरी के नाम पर इस तरह से मारपिटाई रॉड के साथ पीट सकती हैं किसी को? ये तो बहुत ही गलत है जी, कोई गरीब आदमी, लॉकडाउन से लोग पहले परेशान हैं, ऊपर से और ऐसे हरास कर रहे हैं लोगों को,
पहले भी आपने मामले सुने बजाज फाइनेंस के? बजाज फाइनेंस सुने हैं जी, सब लोग परेशान हैं, किसी को हरास कर रहे हैं, कितनी चोट लग रही है, बड़ा मेरा खुद का मन दुख है इनको देख के। खुद का मन दुख रहा है, यानी कि जो आम लोगों का मन दुख रहा है वो बजाज फाइनेंस वालों का नहीं दुख रहा है। ये देखिए किस तरह से शर्ट इनकी फटी हुई है, यहाँ पर खून लगा हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर ये पहुँची है, मेडिकल अपना करवा लिया है। एक बार अंदर चलते हैं, जो चौकी इंचार्ज है उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ वो इस मामले को लेकर कहते हैं। अंदर हम गए थे लेकिन फिलहाल जो चौकी इंचार्ज हैं वो मौके पर मौजूद नहीं हैं। जो मुंशी हैं सेक्टर 9 चौकी के, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि इनकी शिकायत आ चुकी है, मेडिकल इनका आ चुका है और जो भी कानूनी रूप से कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अब आपको क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद बन रही है न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? अभी मुझे कोई उम्मीद नहीं है जी, चौकी से भी मेरे को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप चाहेंगे कि इस मामले की जांच सीआईए खुद करे, क्योंकि इस तरह के पहले भी मामले काफी आए हैं? मैं चाहता हूं इसकी कार्रवाई सीए स्टाफ खुद करे जी, सीआईए स्टाफ खुद करे। और अगर आपकी कोई सुनवाई ना हो तो हमारे को याद कर लेना, हम आपके साथ हैं। हर गरीब मजदूर मजबूर कोई भी व्यक्ति हो जिसे जरूरत हो न्याय की, हम उसके साथ हैं। अगर सुनवाई ना हो तो बताना, अगली जो भी कानूनी कार्रवाई होगी आपके साथ करेंगे। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के सेक्टर 9 चौकी से देख रहे हैं, जहां पर दिनेश नाम के शख्स के साथ बजाज फाइनेंस के गुंडों ने किस तरह गुंडागर्दी की, रॉड के साथ उनकी पिटाई की और कितने गंभीर चोटों के निशान आपने देखे। अगर कल को इनके साथ कुछ होता है तो इनका कहना है कि इसकी पूरे तरीके से जिम्मेवारी बजाज फाइनेंस की होगी। बजाज फाइनेंस को कुछ कहना चाहोगे? बस इनसे यही है जी, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। सबसे गंदी कंपनी है ये, सबसे गंदा बैंक है जी, इनका कोई हिसाब किताब नहीं जी। चार्ज पे चार्ज लगाए जाते हैं जी, चेक बाउंस पे चेक बाउंस लगाए जाते हैं। लॉकडाउन में लोग तो सब अपने घर बैठे जी, ये घर बैठे अब कंप्यूटर का बटन दबाया का चार्ज लगा रहे, चेक बाउंस का 10,000 पहले काट लिए जी, 20,000 माइनस में कर रखे इन्होंने अकाउंट मेरा। परेशान है, बहुत परेशान हो जी, मैं तो अकाउंट में पैसे डाल भी नहीं सकता, जितने डालो वो माइनस में पूरे कर लेंगे वो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से, ये पहले शख्स नहीं है, इस तरह की और भी शिकायतें लगातार सामने आई हैं। आपसे भी ये अपील है कि अगर आपके साथ इस तरह की कोई भी घटना कोई भी कंपनी करती है तो आप हमारे नंबर जो नीचे लिखा हुआ है उस पर संपर्क कर सकते हैं, हम वहीं तुरंत तत्काल आपके पास पहुंचेंगे। पुलिस लेट हो सकती है, एम्बुलेंस लेट हो सकती है, फायर ब्रिगेड लेट हो सकती है, लेकिन IBN 24 आपके पास तुरंत उसी समय पहुंचेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी के साथ भी इस तरह की नाइंसाफी ना हो। अगर किसी के साथ कोई इस तरह की गुंडागर्दी का मामला होता है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी आवाज़ हम अपनी आवाज़ के साथ मिलकर सरकार तक, प्रशासन तक और बजाज फाइनेंस तक पहुँचाएंगे कि कैसे बजाज फाइनेंस के गुंडे इस तरह से लोगों के साथ मारपिटाई कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कंपनी में फिलहाल कोई नहीं है। कोर्ट में केस जितने मर्जी डलवा लो इनसे, नोटिस कितने मर्जी इनसे भिजवा लो, लेकिन कार्रवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हकीकत की तरफ, सच्चाई की तरफ चलने को, देखने को कोई तैयार नहीं है, लेकिन हम लगातार इस मुहिम को जारी रखेंगे जब तक लोगों के साथ इस तरह से नाइंसाफी होती रहेगी। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल, करनाल के सेक्टर 9 से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।